हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज मैं बेसिक्स ऑफ एलजेब्रा करवाने वाला हूँ। एलजेब्रा का आज पहला जो लेक्चर है वो मैं आज करवाने वाला हूँ। तो आने वाले कुछ दिनों में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आज अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको 15 से 20 सेकेंड में आराम से सॉल्व कर पाएंगे। कुछ भी नहीं है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अभी मैं ये सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चन जो है आज मैं वो करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला शीट के साथ। अगर आपने 10th तक भी अगर मैथ्स पढ़ रखा है तो आपको ये वाले फॉर्मूले ऑलरेडी आते होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर देखूं, 2 दुनी 4 2 दुनी 4 8 हो जाता है। अगर ऐसे अगर मैं कर दूं तो 2 दुनी 4 चौके 16 हो जाता है, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं एक बार याद कर लें, ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट के बिना, स्क्वायर वाले और क्यूब। वैसे तो 4 की पावर और 5 की पावर तक भी आते हैं, लेकिन आप क्यूब तक याद कर लें, यहीं तक आते हैं SSC और बैंक BO के एग्जाम्स में। तो सारे के सारे जो फॉर्मूलेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर तक के देखिए यहाँ तक हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए प्लस और माइनस वाला तो बिल्कुल सेम सा होगा, खाली 2ab में थोड़ा सा एक यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, इतना ही डिफरेंस है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का देख लें फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तीन फार्मूले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला भी ज़रूर देखें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। और बाकी के ये फार्मूले भी एक बार देख लें, क्यूब के फार्मूले भी बहुत यूज होते हैं। ये वाला फार्मूले, ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। और ये भी, ये सारे के सारे फार्मूले आप एक बार ज़रूर ज़रूर देख लें, ये ना करें, इसकी जगह अगर आप ये भी कर लेते हैं दिस वन इज़ गुड एनाफ, राइट। तो एक बार इनको देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो क्वेश्चंस, मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ जो पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। हम ए बी वगैरह वाले नहीं करने वाले, जो 10th में 9th में आपने जैसे क्वेश्चंस देखे होंगे वो नहीं करेंगे हम। वो सारे क्वेश्चंस का फॉर्मूले का जो न्यूमेरिकल सिंप्लीफिकेशन में इम्प्लीमेंटेशन होता है, आज हम वो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, आज मैंने ऑप्शंस नहीं दी हैं किसी भी क्वेश्चन में। कोशिश करें एक बार अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन से करने की, बहुत मुश्किल से निकल पाएगा, थोड़ा क्वेश्चन आंसर दूर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में कई बार ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आंसर बहुत क्लोज कर देते हैं, बहुत क्लोज आंसर होता है, क्योंकि तब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एग्जैक्ट आंसर आता हो। अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसको अगर आप जो एलजेब्रिक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, इसको 107 को आप ए मान लें और 93 को अगर आप बी मान लेते हैं, तो ये तो जी आपका हो जाएगा, इसको ए मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय बी। अब इसको आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको आप क्या बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अभी आप ध्यान से देखिए, अभी क्या करना है आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था। अगर मैं ध्यान से देखूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये फॉर्मूले आपको, ये जो मैंने 10 फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हैं, ये फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ये है ए प्लस बी ब्रैकेट में और ए माइनस बी। सिंपली अभी देखते हैं ए प्लस बी, अभी इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ए प्लस बी 107 प्लस 93 93, और दूसरा है 107 माइनस 93, तो 107 प्लस 93 200 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 107 में से 93 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 दूनी 28 2800 जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन अभी तो एक्चुअली बहुत आसान लग रहा है, अगर आपको फॉर्मूला अगर आता है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। ये 10 फॉर्मूले आपको करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉजिक जो है वो
फॉर्मूला ढूंढने में लगना चाहिए, ना कि इसको पूरा सॉल्व करने में। अभी तो मैं आपको बहुत इजी वे में इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन पेपर में कई बार बहुत टफ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें ये फॉर्मूला जो है इम्प्लीमेंट होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 123 को ए मान लीजिए, 77 को बी मान लीजिए। अभी देखिए ए मल्टीप्लाइड बाय, ये आपको समझाने के लिए, बी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस 2ab। अभी ए दो बार ये आ गया है, ए स्क्वायर मान लेते हैं, बी स्क्वायर मान लेते हैं, और साथ में क्या आ जाएगा, 2ab प्लस 2ab। अभी इसको ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी यहाँ पे क्या लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये आपका आंसर होगा। ए तो हमने 123 माना हुआ था, प्लस 77, इसका होल स्क्वायर जो है वो आपका आंसर है। ये कितना आ गया, 200 का होल स्क्वायर कितना होगा, 200 का होल स्क्वायर होगा 40,000, क्योंकि 2 का होल स्क्वायर होता है 4 और 2 जीरो है तो 0 बन जाएंगी 4, तो 40,000 जो है ये आपका आंसर है। समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर आपको यही नहीं पता, ये फार्मूला बेसिक फार्मूला नहीं आता, तो आप कैसे निकालेंगे। जब भी कभी आप वैसे भी ये क्वेश्चंस को देखिए, एक बार आपको पैटर्न पेपर में समझ आ जाएगा कि देखिए दो बार ये 123, जब भी नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी हाँ, यहाँ पे ये एलजेब्रा यूज होगा। तो नोटिस कीजिए, जगह जगह पे जो नंबर्स हैं, ए रिपीट हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है, जब भी कभी आपको दिखे कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो समझ जाइए कि ये अलजेब्रा आ गया है। अभी 941 को ए मान लीजिए, 149 को बी मान लीजिए, कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने की, राइट। अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला देखिए क्या लगा है, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय बी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बन जाएगा और बी भी स्क्वायर बन जाएगा। इसको देखिए आप कैसे करेंगे, अगर आपको याद हो थोड़ा सा कि ए प्लस, अभी फॉर्मूला शीट पे वापस जाते हैं एक बार, अभी ए ये देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के ये रहे फॉर्मूले, राइट, ये रहे फॉर्मूले। अभी इन फॉर्मूलाज को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, कीजिए इंप्लीमेंट एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोबारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखिए, ये प्लस 2ab है, काट दीजिए, और ये माइनस 2ab है, ये कट जाएंगे। अभी यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, क्या अब इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ऐड करेंगे 2a² आ जाएगा, 2b² आ जाएगा, और इनमें से दो कॉमन ले सकते हैं, दो को कॉमन पकड़ लीजिए, 2a² प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। तो दो जो है आपका आंसर है, यहाँ पे 2 इज योर आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, अगर आप मल्टीप्लाई प्लस करने के चक्करों में पड़ जाएंगे तो क्वेश्चन कितना लंबा चले जाता है, ये भी अभी आपको समझाने के लिए इतना लंबा जाना पड़ा, जबकि ये क्वेश्चन था कुछ नहीं। आपको देखे, जब भी दो नंबर बार बार ऐसे रिपीट से हो रहे हैं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो सिंपली आपने क्या करना है, एक नंबर को ए पकड़ लीजिए, एक को बी पकड़ लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कर, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए कितनी की दूर गया मैं, सिर्फ दो स्टेप्स में क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपने पेपर में नहीं छोड़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। आपको एक टिप दे देता हूँ, 888 को ए मान लीजिए और 222 को 222 को बी मान लीजिए। क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, और अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो तभी सॉल्यूशन को रेफर कीजिए और एक बार अपना आंसर ज़रूर चेक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, क्योंकि ये दो बार ए आ गया, प्लस ए बी प्लस ये बी का स्क्वायर, राइट।
इसको देखिए, ए द क्यूब माइनस बी द क्यूब का फॉर्मूला क्या है, वो फिर से अगर मैं आपको रेफर करवाऊं, उस फॉर्मूला शीट को एक बार रेफर जरूर कीजिए, राइट। फॉर्मूला शीट जो मैंने आपको करवाई है, चाहे उसको रिमाइंड कीजिए, चाहे उसको अपना सेव करके फोटो खींच के या कहीं से भी सर्च करके अल्जेब्रिक फार्मूला एक शीट प्रिंट आउट लेके आप उसको याद कीजिए। बहुत जरूरी है ये फार्मूला याद करने। अभी यहाँ पे इसका फार्मूला जो है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये है इसका फार्मूला, डिवाइडेड बाय यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, और a माइनस बी रह गया है 888। इसमें से मैं 222 माइनस करूंगा तो मेरा जी आंसर निकल जाता है 666, और ये मेरा आंसर है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगा कि ये मुझे अपने सारे स्टूडेंट्स को एक बार ज़रूर करवाने चाहिए। आप सबको, आप सब ने ये फार्मूला ज़रूर पढ़े होंगे 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन जब जहाँ तक मुझे याद है, मैंने भी वो सेम किताबें पढ़ी और मेरे पास अभी भी मैंने देखी हैं अभी किताबें, उनमें ये उन फॉर्मूलाज को यूज़ करने के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। वो सारे के सारे क्वेश्चन ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस तक ही सीमित है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किसी भी बुक में एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है। तो ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बैंक के पेपर में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही आएगी। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख, सेम क्वेश्चन है वैसे, सिमिलर से क्वेश्चन चली जा रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है, बस दैट्स इट। ये देखिए, 2.75 2.75 2.75 2.75 को जी ए मान लीजिए, इन सबको ए मान लीजिए, और ये हो जाएगा आपका ए क्यूब, और 2.25 को बी मान लीजिए, और ये आपका हो जाएगा बी क्यूब। और ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर हो गया, ये भी, ये आपका हो गया ए बी, और ये आपका हो गया बी का स्क्वायर। चलिए लिख लीजिए इसको नीचे, ए का स्क्वायर, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला आपने लगाया था, सेम फॉर्मूला भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए क्या होगा, ए माइनस बी, ए द स्क्वायर प्लस बी द स्क्वायर प्लस ए बी, और ये देखिए नीचे वाले से ये कट जाएगा, इसको इससे काट दीजिए, और देखिए 2.75 में से काट दीजिए 2.25, तो जी आपका आंसर आ जाएगा 0.50। ये आपका आंसर है। ज़्यादा एलिमिनेट करने की ही, हर बार नहीं करना एलिमिनेट, मैंने आपको जैसे बोला है पिछले चैप्टर्स में अप्रॉक्सीमेशन वगैरह में, जी एलिमिनेट कीजिए एलिमिनेट कीजिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन करना ज़रूरी नहीं है। हर जगह एलिमिनेशन नहीं करना है, जहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व होता है वहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो ना। जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे को नहीं ज़रूरत है कैलकुलेशन करने की, यहाँ तो कैलकुलेशन हुई नहीं है, पूरे क्वेश्चन में कैलकुलेशन देखो यहाँ पे हुई है, अप्रॉक्सीमेशन वहाँ पे यूज़ करो जहाँ पे लंबी लंबी कैलकुलेशंस है। यहाँ पे तो कैलकुलेशन करने अगर आप बैठ जाएंगे, यहाँ पे देखिए, देखने से पता चलता है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो है अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन दिखता है ऐसा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है। यहाँ पे सेम से नंबर बार बार रिपीट होते हैं, जब भी कभी पेपर में सेम से नंबर, सिमिलर से नंबर बार बार रिपीट होंगे तो वहां पे आपका एक ना एक ऐसा कोई फॉर्मूला यूज होगा, तो ये समझ के चलिए। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है वैसे, आप अगर आराम कुछ किसी और मेथड से भी कर लें, अप्रॉक्सीमेशन से भी कर लें, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। अभी 64 को ए मान लें, ए का स्क्वायर हो गया, और 36 को बी मान लें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे को बताएं कि क्या होता है। तो चलिए शाबाश स्टूडेंट्स, मेरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताएं क्या होता है। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो चलिए ये है इसकी वैल्यू, कुछ स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं, कुछ क्यूब, अगर कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर क्यूब वाला क्वेश्चन भी आ जाता, पेपर में क्यूब वाला ही आएगा, तो भी क्या कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको फॉर्मूला आता है तो आपके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एलजेब्रा में यही है, बैंक पीयू में जो एलजेब्रा आता है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, इसी लेवल का आता है। 64 प्लस 36, और दूसरा हो जाएगा 64 माइनस 36, ये तो जी 100 हो गया, और दूसरा हो गया 28। तो ये कितनी वैल्यू होगी जी इसकी, 2800 इज इक्वल टू 20 के, और मुझे के की वैल्यू निकालनी है,
के इज इक्वल टू 2800 डिवाइडेड बाय 20, दो यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे ये निकल जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आई थिंक 140 जो है ये बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल आपका जो है आंसर है। आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को देख रहे हैं वही 5-6 फॉर्मूले हैं, वैसे 9 फॉर्मूले टोटल हैं, लेकिन मेन जो यूज हो रहे हैं वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बेसिक से फॉर्मूले हैं, इसका बस आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना सीखना पड़ेगा। आपने बचपन में 9th-10th में जो यूज़ किया है अभी तक उसमें तो ऐसे से मतलब क्वेश्चन आते थे ए बी से, वो एक्स वाई से आगे जाते ही नहीं थे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम सीखे ऐसे क्वेश्चन। वैसे 9th-10th ये मैंने 10th की बुक से क्वेश्चन निकाला है फ्रेंकली स्पीकिंग, आपको समझाने के लिए आपको याद करवाने के लिए, लेकिन ये वाले क्वेश्चन 10th की बुक में आपको बहुत कम मिलेंगे 10th+1 की। एंड एडमिटेड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th का मैथ्स भी कई बार भूल जाते हैं, तो रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये देखिए a प्लस 1/a की वैल्यू दी हुई है, a स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू ढूंढनी है, आपको कुछ नहीं पता, बैंक पीओ में आईबीपीएस पीओ में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी इसको आप x मान लीजिए a मान लीजिए 1/a, इसको मान लीजिए b, 1/a को b मान लीजिए। अभी देखिए 1+a+b का आपको वैल्यू दिया हुआ है, अभी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अभी आप ध्यान से देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, राइट। अभी इसका फॉर्मूला तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इज इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पे देखिए आपको इसकी ये वैल्यू तो आपको चाहिए थी, राइट, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 1/a² 2a मल्टीप्लाइड बाय 1/a इज इक्वल टू 9, ये तो कट जाएगा जी, राइट। अभी देखिए इसको इधर ले जाइए, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अभी आपको लग रहा होगा कि ये सर क्या करवा रहे हैं, लेकिन पेपर में कई बार आपसे आप ऐसे क्वेश्चंस छोड़ के आते हैं। ये पिछला जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आप बहुत बार ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आए हुए हैं, एडमिट कीजिए। तो तुक्का मार के तो बिल्कुल नहीं आना है ऐसे क्वेश्चंस पे, ऐसे क्वेश्चंस पे तुक्का मार के बिल्कुल नहीं आना है, अच्छे से सॉल्व करना है फॉर्मूला को यूज करके। फॉर्मूला की शीट आपको मैंने दे चुका हूं, तो उसको फॉर्मूला को यूज करो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अभी सेम क्वेश्चन है, आप करेंगे अभी इस वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करेंगे। देखने में क्वेश्चन आसान है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पेपर में ना आए, ये वाला क्वेश्चन ना आए, बट आपका फंडा क्लियर होना चाहिए, आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। चलिए आपके लिए सॉल्व कर देते हैं। अब ये देखिए ए क्यूब की बात आ गई, तो दैट मींस अभी यहां पे स्क्वायर की जगह पे मैं क्यूब करूंगा इसका, राइट। इसको मैंने मान लिया बी, इसको तो यही था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी यहां पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। अभी सिंपली वे में मैं निकालूंगा ए द क्यूब प्लस 1/a³, इसको मैंने बी मान रखा था, ये बी मान रखा था, प्लस 3ab, इसको तो बी मान रखा था, इसको ए मान रखा था, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, अभी ये तो कट जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू जो है 3×3=9 27 हो जाएगी, ये तो मुझे ऑलरेडी ढूंढना था, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, इसको इधर ले जाएंगे। इसको ध्यान से देखिए a प्लस 1/a की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो 3 दी हुई है ना, देखिए यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए। अभी a द क्यूब प्लस 1/a³ प्लस 3a की वैल्यू तो हमारे पास है ही है इज इक्वल टू 27, तो इसको इधर ले जाइए, 3×9 को इधर ले जाइए, ये माइनस में आ जाएगा, ए द क्यूब प्लस 1/a³ इज इक्वल टू 27 - 9 इज इक्वल टू 18। ये जो 18 है ये आपका आंसर है। ऐसा क्वेश्चन वैसे मोस्ट प्रोबेबली मैं कहूँगा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे चांस ज़्यादा नहीं होते पेपर में आने के, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे जो क्वेश्चन है इनके बिल्कुल ब्राइट चांसेस होते हैं पेपर में आने के, और आए भी हुए हैं, इवन पीओ लेवल में क्लर्क क्लैरिकल लेवल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये बिल्कुल, अगर आपको 5-6 फॉर्मूला याद करने से आपके 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको, तो क्या बुराई है, कई बार 2-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन के, जब भी कभी 10 क्वेश्चन आते हैं या 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन इसमें से डाल देते हैं, वो क्या करते हैं पेपर में
दो तीन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन डाल दिए और उसमें एक मिक्स कर देते हैं एलजेब्रा, ऐसा होता है पेपर में। सिंप्लीफिकेशन डालते डालते मतलब वो जो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन डालते डालते एक एलजेब्रा वाला मिक्स कर दिया, ताकि स्टूडेंट इतना कंफ्यूज हो जाए कि उसे आदत पड़ जाए कि यार मैं तो अपना अप्रोक्सीमेशन यही यूज़ करूँगा। हमेशा अप्रोक्सीमेशन यूज़ नहीं करना, जहाँ पे एलजेब्रा आ जाए एलजेब्रा यूज़ करो यार। तो ये था क्वेश्चन, तो ये मेरे आज के क्वेश्चन से बहुत छोटा सा मैंने सेशन किया है। IBPS PO मेगा प्रिपरेशन कोर्स के लिए ज़रूर जो है एनरोल कीजिए gkdigest.com पे, और gkdigest एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जो आपकी जीके की तैयारी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। आप आराम से अपना करंट अफेयर्स पढ़िए, बैंकिंग पढ़िए, कंप्यूटर अवेयरनेस, इवन क्वांट के जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो डेली बेसिस पे हम gkdigest एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे अपलोड कर रहे हैं। और कल की वीडियो में कुछ क्लेरिफिकेशन मैं देना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मेल किया है। स्टूडेंट्स देखिए, बहुत सारी वेबसाइट्स ने, आप सर्च कीजिए गूगल पे IBPS PO नोटिफिकेशन 2017, बहुत सारी वेबसाइट ने वो अपलोड किया। दो नोटिफिकेशन थे, एक में आई थिंक 3200 वैकेंसी लिखा हुआ था, 1800 वैकेंसी लिखा हुआ था। जो मुझे रिलायबल लगा तो मैंने वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया, लेकिन मैंने डिस्क्लेमर दिया था कि ये ऑफिशियल नहीं है। वो लीक हुआ था, बहुत सारी साइट्स पे था, और मुझे लगा कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे अभी आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं ऐसे हैं जो किसी और सोर्स को नहीं देख रहे हैं, या वो मुझसे पूछना चाहते थे, क्योंकि वो वीडियो का एक छोटा सा पार्ट था जिसमें मैंने वैकेंसी का नंबर बताया। बाकी की वीडियो में तो मैंने अपना क्लियर कट सिलेबस बताया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर आप हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, 5 बैंकों पे PCA लगा है और वो रिक्रूटमेंट नहीं करने वाले हैं, चाहे वैकेंसी 20,000 हो, बाकी बैंकों की 15 हो, जितनी मर्जी हो, PCA लग गया है, RBI की गाइडलाइन है कि वो रिक्रूटमेंट नहीं करने वाले। अगर सच बोलना आपको लगता है कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ सच बोलने से, सच बोलना अगर पाप है तो है, तो वो तो मैं बोलूँगा, सच बोलना पाप नहीं है, PCA लगा है तो लगा है। कई बैंक यहाँ पे मणिपाल से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उससे IBPS की कुछ एक वैकेंसी पे फर्क तो पड़ा है। मेरा काम एक्चुअली वो है ही नहीं, मैं क्लियरली स्टूडेंट्स आपको बताऊं, मेरा काम है मैथ्स पढ़ाना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाना, बिल्कुल बेसिक से लेके आपको ऊपर तक लेके जाना। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि वो स्टार्टिंग ही ऊपर से करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इधर उधर, आपने बहुत सारे चैनल्स फॉलो किए होंगे, टीचर्स के पास गए होंगे, आपको नहीं अच्छा लगा होगा कई बार। मेरा जो तरीका है वो है, मैं बिल्कुल बेसिक से चलता हूँ, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से चलता हूँ एंड ऊपर तक जाता हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करता, मैं बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, तो वो मेरा काम है। अगर आप स्टूडेंट्स को लगता है कि वो मैंने वीडियो गलत डाली है तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट मैंने कोशिश की है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सच ही बोलूँ। PCA वाली बात तो बिल्कुल सच है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लग चुका है, लगा हुआ है 5 बैंकों पे, तो मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको। तो हो सकता है कि वैकेंसी ज़्यादा आ जाए, बट nobody is श्योर अबाउट इट। सभी जो वेबसाइट्स हैं, सभी चैनल, सब लोगों ने वो अपलोड किया है, तो प्लीज़ डोंट ब्लेम ऑन मी। मैंने एक न्यूज़ वेबसाइट पे देखा था, इंडियन एक्सप्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वो जो न्यूज़पेपर है मैं उसे ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, एंड अगर वो लोग अगर डाल रहे हैं तो मैं एक न्यूज़ साइट को रेफ़र कर रहा हूँ। मुझे रेफरेंस के लिंक एक्चुअली डालने चाहिए थे, मैं ऑफिशियल नहीं कहूँगा, अनऑफिशियल रिलायबल सोर्सेज को अगर मैं रेफ़र कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर को रेफ़र कर रहा हूँ, या अच्छी रिलायबल वेबसाइट्स को रेफ़र कर रहा हूँ, और उन लोगों ने लिखा हुआ है कि भाई इतनी वैकेंसीज़ हैं और मैंने आपको बता दिया, तो इस पर मुझे नहीं लगता है कि मेरी कुछ खास बड़ी मिस्टेक थी। मैंने खुद तो वो एडिट करके नोटिफिकेशन नहीं बनाया, मुझे तो अच्छा रिलायबल सोर्स से मुझे मिला और मैंने आपको दे दिया। सो आई विल ट्राई टू अवॉइड सच थिंग्स इन फ्यूचर एंड आई विल ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड ओनली। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे तो स्मार्ट प्रेप किट का लिंक जो है वो मैं नीचे, स्मार्ट प्रेप किट, बहुत अच्छे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं स्मार्ट प्रेप किट IBPS PO के लिए, इसका नोट्स भी है जो आपको लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, हमारे चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। लास्ट वीडियो में मुझे बहुत सारे डिसलाइक्स मिल गए क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो नाराज़ हो गए मेरे से, तो प्लीज़ मेरे से नाराज़ मत होइए, आपके बड़े भाई जैसा हूँ, आप हैं तो मैं हूँ,
आप हैं तो ये चैनल है, आप हैं तो ये बैंक एग्जाम्स छूटे हैं, आप नाराज़ हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो हम लोग ये वीडियोस भी नहीं बनाएंगे, हम लोग नोट्स नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। बहुत सारा स्टडी मटेरियल मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है, बहुत सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती हैं। हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको पसंद आता है। जिस दिन आपको पसंद नहीं आएगा, आप देखना बंद कर देंगे, तो हम बनाना बंद कर देंगे। तो चलिए, जितना आपने प्यार मुझे आज तक दिया है, मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में भी मुझे ऐसा प्यार आप देते रहें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पे। कुछ भी समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, लेकिन प्लीज़ गालियों वाली मेल्स मत कीजिए। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो अच्छे तरीके से कहिए, तभी मैं रिप्लाई करूँगा। कुछ अजीब से टोन में करेंगे तो ऑब्वियसली आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। एंड गाइज, अगर आप अपने क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं किसी बुक में से, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ आपने क्वेश्चन जो भेजे थे, मुझे नाम सुकांता मंडल शायद, राइट, बहुत लॉयल यू नो व्यूअर है हमारे, सब्सक्राइबर हैं। तो सुकांता जी, प्लीज़ या तो आप बुक का फोटो क्लिक करके भेजें, या एमएस वर्ड में इक्वेशन बना के भेजें। आप जो ऐसे लिख के भेजते हैं वर्ड में, वो कुछ समझ नहीं आता है, तो मैं सॉल्व कैसे करूं? एंड इफ़ पॉसिबल, अगर आप बुक में से देख रहे हैं, आपके पास आंसर भी है, तो मुझे भेजें, तो आके मैं अपना आंसर वेरीफाई कर पाऊँ। तो ये ना हो ना मैंने गलत निकाल दिया तो आप लोग फिर से कॉमेंट में शुरू हो जाएंगे। तो कॉमेंट भी कीजिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप में से कई स्टूडेंट्स को ऐसे लगता होगा कि मैं बहुत इजी वे में इजी इजी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं करवा रहा हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, मेरा जो गोल ये है कि जो स्टूडेंट्स ने अभी अभी स्टार्ट किया है, मैं उनको साथ लेके चल रहा हूँ। मैं बिल्कुल सीधा यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ अभी भी, मैं धीरे धीरे आगे चल रहा हूँ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। मेल करें मुझे, समझ नहीं आ रहा तो कॉमेंट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।